आई वॉन्ट 100 out of 100, 100 में से 100 चाहिए भाई, मेहनत करो जितनी कर सकते। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट सॉल्यूशन बहुत छोटा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। बेटा सबसे पहले तो पंक्तियां पता होनी चाहिए आपको, इसे हम इंग्लिश में भी रीड करेंगे। पंक्ति मतलब होता है लाइंस बनाना। लाइंस याद रखिएगा, जब हम ऐसे चलते हैं तो ये लाइंस नहीं है आपके लिए। लाइंस क्या? ये लाइंस है बेटा, इस तरीके की लाइंस है, जो खड़ी लाइंस हैं ये आपकी लाइंस होंगी, ये आपकी लाइंस होंगी। समझ गए बात? ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एडी के अनुदेश, एडी के अनुदेश इस तरह से, एडी से ए से जाना है डी की तरफ, इस तरीके की बात ही बोला जा रहा है। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो मैंने यहाँ 1, 2, 3 लिखकर आगे डैश डैश डालकर टोटल 100 गमले रखवा दिए बेटा। ठीक है, गमला कोई उठाएगा नहीं वरना हमारा खेल खराब हो जाएगा। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब उसने क्या किया बेटा, 100 का 1/4, 100 का 1/4, देखिए बेटा 100 का 1/4, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 5 आपके पास 25 आ गया। कहने का मतलब है कि वह 25 गमलों तक दौड़ती है, और कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है? वो दौड़ रही है दूसरी पंक्ति में, तो वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। और मान लीजिए यहां तक वो दौड़ती है, ये 1/4 मान लीजिए आप हो गया, और इसके जो निर्देशांक, अब सबसे पहले निहारिका है तो मैं इसको एन मानकर चलता हूं बेटा। पहले ये एक्स वाली लाइन लिखूंगा, तो ये हो गया 2, और यहां से वाई वाली लाइन कितनी हो गई, 25 हो गई। तो बेटा आगे बोल रहा है, और वहां पर हरे रंग का झंडा गाड़ देती है, तो मैं इसको ग्रीन लिख दूं क्या निहारिका वाला? चलो मैं इसको जी लिख देता हूं कि यहां पर जी रंग का झंडा यानी हरे रंग का। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। वापस से 100 गमलों का 1/5 आप निकालेंगे, 5 × 5 = 10 आपके पास 20 आ गया, और 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो बेटा वो थोड़ा इससे कम दौड़ेगी, इससे थोड़ा कम दौड़ेगी, 1/5 भाग दौड़ेगी। और क्या नाम है उसका? प्रीत नाम है। और वहां पर क्या करती है? वहां पर वो लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि रेड कलर का वो झंडा गाड़ देती है। इसके जो निर्देशांक है, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, टोटल 20 गमलों तक वो दौड़ती है, 1/5 भाग यानी कि 20 गमलों तक वो दौड़ती है, लाल झंडा गाड़ दिया। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? 7.1 एक्सरसाइज जब हमने करी तो हमने दूरी सूत्र पढ़ा बेटा, तो हमें ये दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों दूरी हमें निकालनी है, अभी हम सॉल्व करेंगे। आगे बोल रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा? अब एक नीला झंडा बेटा बीच में आ गया, लाल और हरे के बीच में एक नीला झंडा भी आ गया, और हमें नहीं पता बीच कहां है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ये वो बीच है, ये वो बीच है, और इस बीच में नीले यानी कि ब्लू कलर का झंडा गाड़ दिया, और मैडम थी हमारी रश्मि, और रश्मि ने जो झंडा गाड़ा उसके जो निर्देशांक थे यानी x के पॉइंट थे वो x था, और y का जो पॉइंट था वो y था। समझ गए बेटा? अब क्योंकि बिल्कुल बीच में झंडा गड़ रहा है इसीलिए ये अनुपात जो होगा उतना ही अनुपात ये होगा। टोटल अगर ये दूरी 10 मीटर की लगाऊं तो 5-5 होगा, अगर टोटल 8 मीटर की लगाऊं तो 4-4, और अगर ये टोटल दूरी 7 मीटर की होगी तो 3-3.5, और अगर 6 मीटर की हुई तो 3-3। तो बेटा दोनों को अगर हम 3/3 मान लो तो भी 1 आएगा, 4/4 मान लो तो भी 1 आएगा। कहने का मतलब है कि 1:1 के अंदर मेरा ये जो पॉइंट है वो आएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। निर्देशांक हमने निकाल लिए, क्या हमें करना है उसको भी निकाल लिया। एक बार मैं इंग्लिश में भी इसको रीड आउट कर देता हूं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड एबीसीडी लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। याद रखिएगा, ये जो दूरी है यहां से 1-1 मीटर की है, और ये जो दूरी है वो भी 1-1 मीटर की है। तो एक तरीके का ये आपका कार्तीय तल बन गया, एक तरीके का ये जो आपका ग्राफ बन गया जहां पर दूरी बराबर है, एक्स के पॉइंट्स भी बराबर है और वाई के पॉइंट्स भी बराबर है। Line have been drawn with chalk, अच्छा, powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure. ये AD का line में गमले रखे हैं, उधर हमने line बना दी है दौड़ने के लिए। As shown in figure, Niharika runs 1/4, मैंने बताया 1/4, the distance AD
ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन पर वो दौड़ी है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द एट लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड द शी पोस्ट हर फ्लैग, उसको अपना जो फ्लैग है वो झंडा है वो उसे कहां गाड़ना होगा। हमने ये बता दिया कि वो झंडा उसे बिल्कुल बीच में गाड़ना है, उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बेटा यहाँ ग्रीन फ्लैग गड़ा है, ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मैं ग्रीन झंडा गड़ा है इसको मैं ग्रीन नहीं मान रहा, यहाँ रेड झंडा गड़ा है मैं इसको रेड नहीं मान रहा, यहाँ पर ब्लू झंडा गड़ा है मैं इसको ब्लू नहीं मान रहा, मैं नाम के हिसाब से चल रहा हूँ। निहारिका के लिए एन पॉइंट हुआ, प्रीत के लिए पी पॉइंट हुआ और रश्मि के लिए आर पॉइंट हुआ। समझ गए लड़कियों, आपके हिसाब से आपके नाम के हिसाब से समझाया जा रहा है इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दोगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो, और लड़कों को वैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि लड़कियों के लिए समझाया जा रहा है ना। चलो मजा ही आ गया फिर। देखो भाई ध्यान दो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निहारिका द्वारा प्राप्त दूरी के लिए निर्देशांक, क्या निर्देशांक होंगे एन पॉइंट पर, 2 और 25, ठीक है बेटा, ठीक है ना, 1/5 चल रही है वो इसलिए, ठीक है। अब इसी चीज को मैं अगर दोबारा लिखना चाहूं मैं उसके लिए फिर किसके लिए लिखूंगा, मैं प्रीत के लिए लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा प्रीत द्वारा प्राप्त दूरी के लिए निर्देशांक। तो बेटा प्रीत के द्वारा निर्देशांक जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, पी से 8 और 20, बस इतना अभी हम लिखना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एन पी के बीच दूरी, तो एनपी निकालेंगे बेटा और अंडर द रूट हम इसमें डाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसे इंग्लिश में रीड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका एंड कोऑर्डिनेट्स गिवन, क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे बेटा, 2 और 25 वाले, और उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत एंड कोऑर्डिनेट्स गिवन क्या होंगे, 8 and 25। अब हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन एन पी, अब एन पी के बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पर ये रहे और ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, किसी को भी एक्स टू मान लेता हूं, तो मैं यहां पर हम लिख रहा हूं अब आराम से 8 - 2 का स्क्वायर + 20 - 25 का स्क्वायर। 8 में से 2 गया बेटा 6 का स्क्वायर प्लस का निशान, 20 में से 25 गया -5 का स्क्वायर, 6 × 36 = 25, 5 और 6 = 11 का 1 हांसिल आ गया 1, तो हमारे पास आ गया 6, 61, तो आपके पास में 61 आ गया टोटल दोनों को प्लस करने पर, यही हमारा, इसके आगे ये कटेगा नहीं, 61 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या होता है, इसीलिए यही इसकी दूरी है जो टोटल डिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे कि रश्मि मैडम ने क्या किया, तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि रश्मि द्वारा, या इसको और भी लिख सकते हैं कि माना रश्मि द्वारा आर बिंदु पर नीला झंडा गाड़ा गया तथा निर्देशांक
एक्स और वाई हैं, ठीक है बेटा है। इसको लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि लेट रश्मि पोस्ट अ ब्लू फ्लैग ऑन द पॉइंट आर एंड कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, ठीक है बेटा। अब हमें मिड टर्म फॉर्मूला, अब देखिए बेटा मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे यहां पर, जो तीसरा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु सूत्र, इंग्लिश में लिखते हैं इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको अगर मध्य बिंदु सूत्र ना आए, समझ में ना आए, देखिए बेटा जब दोनों की अनुपात जब दोनों का बराबर होता है तो मध्य बिंदु सूत्र लगता है। एम वन एम टू लगाओगे तो भी वही आएगा, दूसरा लगाओगे तो भी वही आएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से मैंने लिखा, आर के निर्देशांक दशमी के निर्देशांक निकाल रहे हैं जो कि एक्स और वाई हैं, जो अगर ये यहां से जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा आठ, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में दो, ठीक है। बटे में क्या एक और एक वन प्लस वन, ठीक है बेटा। मिट्टा फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, कॉमा लगाया, ये उधर से मल्टीप्लाई होगा बीस प्लस पच्चीस बटे वन प्लस वन, ठीक है बेटा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आठ और दो कितना हुआ बेटा, यहाँ पर लिखा मैंने आर एक्स और वाई के निर्देशांक, आठ और दो दस बटे दो और फोर्टी फाइव बटे दो, तो दो एकम दो, दो पंजे दस, और इसको भी जब भाग करोगे आप तो कितना आएगा बेटा साढ़े बाईस आएगा, 22.5। देखिए दो एकम दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार पॉइंट, दो पंजे दस, 22.5। तो आपके पास में आर के जो निर्देशांक हैं वो एक्स और वाई के निर्देशांक, और ये होंगे 5 और 22.5। कहने का मतलब है कि वो पांचवी लाइन से दौड़ेगी, पांचवी लाइन से दौड़ेगी और 22 और 23 गमलों, 22वां नंबर और 23वां नंबर गमला जो होगा उसके बीच में जाकर वो झंडा अपना गाड़ कर आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस यही हमें निकालना था कहां गाड़ना चाहिए। तो आप लिख दीजिए कि रश्मि को पांचवी पंक्ति से 22.5 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ना होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इंग्लिश में कि रश्मि पोस्ट अ फ्लैग ऑन लाइन 5 एंड डिस्टेंस 22.5 मीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले भी इजी लग रहे हैं इसके अंदर में, और साथ के साथ चीजों को आपको बस पढ़कर समझना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। केवल भ्रमित करने के लिए आपको इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जाम के अंदर भी पेपर भारी करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। आधा तो बच्चा उसी में होपलेस हो जाता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ूं या ना पढ़ूं, ठीक है ना, लास्ट में करूंगा। अरे लास्ट में मत कर भाई, समझने की कोशिश कर, इसको अभी कर, अभी नहीं कर समझ तो कम से कम है क्या चीज, पढ़ने की कोशिश तो कर। तीन घंटे मिले बहुत होते हैं स्कूल में, जब आपसे दो मिनट का मौन व्रत, 30 जनवरी को गांधी जी मरे थे सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजे साढ़े आठ बजे सुबह सुबह ऐसे दो मिनट का मौन, हालत खराब हो जाती है दो मिनट में, किसी के ऐसे किसी की नाक ऊपर जा रही है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, ऐसे दो मिनट में, दो मिनट, तीन घंटे मिलते हैं आपको, तीन घंटे में ना जाने आप क्या कर दो, ठीक है। आई वॉन्ट 100 out of 100, 100 में से 100 चाहिए भाई, मेहनत करो जितनी कर सकते। नोट करिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।